स्मार्ट न्यूज से मैं मोहम्मद आसिफ हम लोग मौजूद है गार्डन ब्रिज के वार्ड 134 में। आज एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल में गार्डन ब्रिज रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट की जानी गार्डन ब्रिज के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को तकरीबन टैब बांटा गया है। और हमारे सामने बात करने के लिए मौजूद है जनाब नाजिम खान जो गार्डन ब्रिज रिहैबिलिटेशन के जनरल सेक्रेटरी है। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं आज जो प्रोग्राम हुआ है इस तालुक से आप बताएं। एक्चुअली आज का प्रोग्राम का मकसद था कि ये लॉकडाउन में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, ऑनलाइन क्लास हो रहा है और उनके पास मोबाइल नहीं, तो हमारा एरिया है इसमें मैक्सिमम जो है रिक्शा व्हीलर या टेलरिंग का लोग हैं, लॉकडाउन में काम बंद हो गया, उनके पास मोबाइल नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हर एक बच्चे को डिजिटल क्लास से कनेक्ट किया जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है इंक्लूसिव डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें खासकर जो रिक्शा व्हीलर हैं या कमानी बनाते हैं या डिजिबल बच्चे हैं, टोटल आपका असद मानी एमकेटी बाजार हाई स्कूल, बंगाली बाजार हाई स्कूल और आरिया परिषद के लिए इन लोगों को हम लोगों ने टोटल सारा 400 टैब दिया जाए दिलाया है जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे। उसमें उसका एक सॉफ्टवेयर डाला जाए, सिर्फ उस टैब से ऑनलाइन ही क्लास कर सकते, उसका कुछ नहीं। और हर एक स्कूल में दो दो लैपटॉप दिलाए गए जिससे लैपटॉप के थ्रू वो बच्चे क्लास ले पाए टीचर। कौन कौन से गार्डन के कौन कौन से स्कूल के स्टूडेंट को आप ये टैब मुहैया करवाए? अशरफ मानी और बंगाली बाजार हाई स्कूल, हाई स्कूल और ये फेडरल हाई स्कूल और फिर आने वाले वक्त में आपके अदारे की जानिब से और क्या क्या प्लान है? देखिए इसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि ये वैक्सीनेशन के ऊपर हम काम करेंगे। स्पेशली जो मेंटली कंडीशन है, आप रोड पे देखते हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो उनका वैक्सीनेशन कोई नहीं करवाता। उनका वैक्सीनेशन कराने का हमारा टारगेट है कटरा डिस्ट्रिक्ट में, तब 10,000 डिसेबल लोगों का वैक्सीनेशन कराने का टारगेट। और ये इस क्लास से ये जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन डिजिटल प्रोग्राम है इसके थ्रू हमने एक संडे क्लब बनाए चारों स्कूलों के बच्चों को, जिसका एक्स्ट्रा क्लासेस हो जैसे इंग्लिश मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये अलग हम टीचर अपॉइंटमेंट दिया हुआ अपॉइंटमेंट क्या हुआ है वो उनका क्लास लेंगे, ताकि बच्चे हमारे कॉम के बच्चे खासकर जो है इंग्लिश में और मैथ में और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो, तो ये ना इस चीज़ के लिए हम लोग अलग से टीचर बहुत बहुत शुक्रिया माध्यम से बात करने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।